हेवन। अब बज रहे हैं सुबह के 4:20, इट्स 4:20 AM। सो मॉर्निंग में राइड करने का तो मजा ही कुछ और है यार, सीरियसली। आई मीन मॉर्निंग राइड्स आर लव। ट्रैफिक नहीं होता है, शांति होती है, रोड इतना मस्त स्मूथ लगता है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा अंधेरा, वाह यार सीरियसली। तो या एंड वी गोना हैव सुपर 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 डुपर फन बारी। सो ये रहा ओमी यहाँ बैठा हुआ। सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग वही जा रहे हैं। दैट्स ओमी, उसकी बाइक है, ये मेरी बाइक है। बज रहे हैं सुबह के 5 और थोड़ा सेटल वेटल करने के निकलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट ऑल इज वेल सो फार। आगे ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड लाइक 97 किलोमीटर्स और 6 बज चुके हैं, एंड वी आर हंटिंग फॉर सम ब्रेकफास्ट। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. This is our first break, 120 kilometers covered. The time is 7 a.m. right now. Rasta kafi better hai, kafi acha hai. So far so good. किधर से? सात बज गए ना, 7 o'clock in the morning. And have another breakfast. तो अभी let me have my breakfast. पे होटल आराम में हमने थोड़ा सा आराम लिया है। सो फार द राइड इज फन, और अभी हो गया ब्रेकफास्ट, अभी थोड़ा ब्रेक और फिर निकलते हैं 5 मिनट में। द टाइम राइट नाउ इज ऑलमोस्ट 7:30, तो अभी निकलेंगे थोड़े टाइम में, बस और टाइम नहीं है हमारे पास। ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेने वाले हैं क्योंकि रास्ता तो एकदम मक्खन, एकदम सीधा 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 स्ट्रेट रास्ता है, भरूच तक स्ट्रेट है। तो सो फार द रोड इज फैंटेबुलस। दैट्स आवर बाइक्स। जब ही अंधेरा था तो दिख नहीं रहा था, तो अभी दिखाती हूँ। दैट्स अ बाइक, ये है सैडल बैग और ये है टैंक बैग राइट हियर, और ये मैं। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. पेट्रोल भरा लिया गया है और इट इज 1 o'clock almost, 12:46 PM, 362 किलोमीटर्स किया है बस। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा हॉल्ट ले लिया मैकडोनल्ड्स में, 1 घंटा ले लिया, तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा हो गया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत गर्मी है। Along the way,
होने से पहले पहुंचने का, पर अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रेक्स लिए हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स लिए हैं वैसे तो पानी पीने के लिए वगैरह, पर ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था बीच में, पी ब्रेक लिया था, और पी ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि हम थोड़ा थक चुके थे, थोड़ा कुछ सेटल करना था कैमरा वैमरा, तो इसके लिए एक घंटा मैकडोनल्ड्स के यहाँ पे ही लग गया। ब्रेकफास्ट के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लग गए, पर अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था। अभी प्लान तो है ब्रेक नहीं लेने का, पर गर्मी इतनी होती है तो एटलीस्ट वाटर ब्रेक लेना पड़ता है। पर ठीक है, 437 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 323 किलोमीटर्स मोर टू गो। ओके, लेट्स डू दिस। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. That is what there. So we just took a halt here somewhere. I think I don't know what place is this, but we had to take a halt. और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा सकती हूँ। अब फिलहाल तो पसीने से नहा रही हूँ मैं, पर एकदम चिल पानी से मैं नहा सकती हूँ, इतना ज़्यादा गर्म है यहाँ पर। सुबह तक ठीक था, पर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी नहीं दिख रहा है। सो देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। द राइड इज़ गुड, मतलब जब तक रोड पर तब तक सब सही लग रहा है, पर एक जगह पर रुकते हैं तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है लिटरली। रोड वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, पर बस गर्मी से हाल है बेहाल। हेवन थ्रू द वेस्टलैंड्स थ्रू द हाईवेज टू माय शैडो टू द सन रेज एंड ऑन वी विल गो थ्रू द वेस्टलैंड्स थ्रू द हाईवेज एंड अंधेरा हो चुका है। इट इज 7 PM। ओ नो 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 नो। ओके, तो कल रात को आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, अराउंड 11 PM हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे आके पता चलता है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, सारे रेस्टोरेंट सारे शॉप्स क्लोज हो चुके थे। आई थिंक यहाँ का कुछ टाइमिंग वाइमिंग का सीन है, तो इसके लिए कुछ नहीं मिला। हॉस्टल में भी हम लोग जहाँ पे रुके, इट्स अ हॉस्टल इन उदयपुर, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो हम लोग को वापस से राइड करके अराउंड 15-20 मिनट्स दूर जाना पड़ा। फिर हम लोग ने खाना खाया और हम लोग आके लुढ़क गए। एक्चुअली अराउंड 5 o'clock को हम लोग को दिखा रहा था कि 3 hours रिमेनिंग, अराउंड 150 किलोमीटर्स दिखा रहा था, नहीं 250 किलोमीटर्स दिखा रहा था जो हम लोग रीच करने वाले थे 3 hours में, और 100 किलोमीटर्स तक ठीक चला। फिर बाद में 150 किलोमीटर्स भी बचा था लास्ट का, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 4-4.5 घंटे लगे क्योंकि रास्ता बहुत ही बेकार था। सो क्या बड़े वो, और ओके नेवर माइंड, इट वॉज अ फन राइड एनी वे। आज हम घूमने वाले हैं आई डोंट नो वेयर, हम लोग अभी तक चेकआउट भी नहीं किया, हम थोड़ा चेकआउट करेंगे, गूगल करेंगे और पूछ लेंगे किसी को क्या है। और आज हम घूमने वाले और वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल तो मेरे को बहुत भूख लगी और हम लोग जा रहे हैं ऊपर, इट्स अ रूफ टॉप कैफे खाने के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।